टॉपिक है फैमिली। फैमिली पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट फैमिली है पेपरवेसी। पेपरवेसी फैमिली के अंदर पेपेवर रोहियास प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो पेपरवेसी फैमिली है उसके करेक्टर्स, साइलेंट फीचर्स एंड इसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ पेपरवेसी फैमिली। सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मिक। एंड सब डिवीजन है डाइकोटिलेडोनिक। क्लास है पॉलीपिटेरी। सीरीज है थैलेमिफ्लोरी। एंड जो इसकी ऑर्डर है इसका पेराइटस। एंड फैमिली है पेपरवेसी। तो इस प्रकार इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो गया पेपरवेसी फैमिली का। डिवीजन हो गया इसका एंजियोस्पर्मिक। सब डिवीजन है डाइकोटिलेडोनिक। क्लास है पॉलीपिटेरी। सीरीज है थैलेमिफ्लोरी। ऑर्डर इसका पेराइटस। एंड फैमिली है पेपरवेसी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके पेपरवेसी फैमिली के करेक्टर्स। साइलेंट फीचर्स ऑफ पेपरवेसी। सबसे पहले पेपरवेसी जो पेपरवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल हर्ब एंड पेरिनियल श्रब होते हैं। एनुअल हर्ब एंड पेरिनियल श्रब। पेरिनियल श्रब जो एक वर्षीय पौधे वार्षिक पौधे होते हैं वो शाकीय होते हैं, लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं। श्रब नुमा या श्रब लाइक स्ट्रक्चर होती उनकी या झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। नेक्स्ट है इनके अंदर इनके स्टेम्स हैं। पेपरवेसी फैमिली के प्लांट्स के स्टेम्स हैं येलो व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का लेटेक्स निकलता है। व्हाइट येलो एंड ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का लेटेक्स निकलता है, ऑरेंज कलर का लेटेक्स निकलता है। नेक्स्ट है इस फैमिली के प्लांट्स की लीव्स। लीव एक्स स्टिपुलेट अल्टरनेट अल्टरनेट एंड पिनेटली। पिनेटली इत्यादि प्रकार की इनके अंदर लीव्स पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लोवर। इस फैमिली का जो इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लोवर बायसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक एंड कंप्लीट कंप्लीट। एंड जो इस फ्लोवर के जो एंड्रोशियम पार्ट हैं एंड्रोशियम
फ्लोर का मेल पार्ट है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम फ्लोर का फीमेल पार्ट है। गायनोशियम फ्लोर का फीमेल पार्ट है, एंड्रोशियम मेल पार्ट है। इस फ्लोवर के अंदर, इस फैमिली के फ्लोवर्स में एंड्रोशियम एंड गायनोशियम दोनों एक ही फ्लोवर में पाए जाते हैं, इसलिए ये फ्लोवर बाइसेक्सुअल होता है। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन की संख्या असंख्य होती है, स्टेमन की संख्या असंख्य होती है, स्टेमन असंख्य होती है। एंड जो गायनोशियम होता है, गायनोशियम में कार्पल्स की संख्या बाई कार्पलरी से लेके मल्टी कार्पलरी होती है। एंड सिम कार्पस होता है, जो कार्पस होते हैं वो युक्तांडपी होते हैं, सिम कार्पस होते हैं, एक दूसरे से अटैच या फ्यूज्ड रहते हैं। बाई कार्पलरी से मल्टी कार्पलरी, सिम कार्पस होता है, सिम कार्पस। एंड जो ओवेरी होती है, इनकी सुपीरियर प्रकार की होती है, ओवेरी सुपीरियर टाइप की होती है। इनके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन भी पाया जाता है, पैराइटल पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जो फ्रूट होता है इनका, फ्रूट कैप्सूल नुमा होते हैं, इनके फ्रूट कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल होते हैं, इनके फ्रूट कैप्सूल होते हैं। एंड जो सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, एंडोस्पर्मिक। दोबारा से देखते हैं, पेपरेसी फैमिली के प्लांट्स एनुअल हर्ब एंड पेरेनियल शब प्रकृति के होते हैं। इनके अंदर, इनके स्टेम्स से व्हाइट, येलो एंड ऑरेंज कलर का लेटेक्स निकलता है। लीव होती है एक्सिस्टिपुलेट, अल्टरनेट एंड पिन्नेटली प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। फ्लोर होता है इनका बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक एंड कंप्लीट इत्यादि प्रकार का इनका फ्लोवर होता है। एंड फ्लोवर के अंदर एंड्रोशियम एंड गायनोशियम पाए जाते हैं, इसलिए ये फ्लोवर बाइसेक्सुअल होता है। एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन की संख्या असंख्य होती है, गायनोशियम में कार्पस की संख्या बाइकार्पिलरी से लेकर मल्टी कार्पिलरी पाई जाती है। एंड जो कार्पस होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सिम कार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। फ्रूट होता है इनका कैप्सूल होता है एंड सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, भ्रूण पोषी सीड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेपेवर रोहियास, पेपेवर रोहियास पेपेवर रोहियास, पेपेवर रोहियास के बारे में पढ़ेंगे, जो पेपेवरेसी फैमिली का प्लांट है। यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे सजावटी के रूप में गार्डन्स के अंदर लगाते हैं। इसका लोकल नेम है, लोकल नेम गार्डन पॉपी, गार्डन पॉपी। इसका हैबिट है एनुअल हर्ब एंड ऑर्नामेंटल श्रब, ऑर्नामेंटल श्रब। एंड इसकी रूट है, रूट इसके अंदर
टैप रूट पाई जाती है, गार्डन पॉप में टैप रूट पाई जाती है, उसके ऊपर ब्रांच्ड पाई जाती है, ब्रांच्ड टैप रूट। ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है। स्टेम, इनका स्टेम सिलेंड्रिकल, इरेक्ट, हर्बेसियस, इरेक्ट सिलेंड्रिकल, इरेक्ट सिलेंड्रिकल एंड हैरी, हैरी मिल्की लैटेक्स प्रेजेंट। जो इनका स्टेम होता है उसके अंदर दूध दूध पाया जाता है, मिल्क पाया जाता है, मिल्क नोमा लेटेक्स पाया जाता है। नेक्स्ट है लीफ, इनके स्टेम में मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है एंड लीफ, लीफ इनके अंदर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट, रेटिकुलेट एंड सिंपल, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट सिंपल एक्सस्टिपुलेट एंड सेसियल, सेसियल प्रकार के इनमें लीव्स पाई जाती है। गार्डन पॉपी के अंदर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट सिंपल एक्सिस्टिपुलेट सेसियल टाइप की लीव्स पाई जाती है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेस्केंस, इनफ्लोरोस्केंस शोलेट्री टर्मिनल, शोलेट्री टर्मिनल, शोलेट्री टर्मिनल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर, अब पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर कैसा होता है इनका। फ्लावर, फ्लावर इनका बाइसेक्सुअल होता है, सॉरी पहले लिखते हैं ई ब्रैकेट, ई ब्रैकेट एंड पेडिसलेट, पेडिसलेट कंप्लीट, पेडिसलेट कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक बायसेक्सुअल हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस एंड रेगुलर, रेगुलर बाइमेरस प्रकार का फ्लोर होता है, बाइमेरस टाइप का फ्लोर होता है। ई ब्रैकेट, इनके अंदर जो ब्रैक्ट होता है वो एब्सेंट होता है। पेडिसलेट, इनके अंदर फ्लोवर के अंदर फ्लोवर पुष्पव्रंथ के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पेडिसलेट है। कंप्लीट, इस फ्लोवर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम चारों पाए जाते हैं, इसीलिए ये फ्लोवर कंप्लीट है। एक्टिनोमोर्फिक, इस फ्लोवर के प्रत्येक चक्र में, इस फ्लोर के प्रत्येक चक्र में सदस्यों की संख्या एक समान होती है, इसलिए रेगुलर होता है एंड पुष्प को लंबवत तल से, एक से अधिक लंबवत तलों से दो समान भागों में बांटा जा सकता है, दो से अधिक दो समान भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल, इस फ्लोर के एक ही फ्लोर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये फ्लोवर बाइसेक्सुअल है। हाइपोगाइनस, जो इसकी ओवरी होती है वो सुपीरियर प्रकार की होती है, इसलिए ये फ्लोवर हाइपोगाइनस होता है। बाइमेरस, इस फ्लोवर के प्रत्येक चक्र चक्र में चक्र के इस फ्लोवर के
प्रत्येक चक्र में कैलिक्स एंड कोरोला की संख्या 2-2 होती है, इसलिए ये फ्लोवर बायमीरस होता है। नेक्स्ट है कैलिक्स, इसमें सेपल्स की संख्या 1-2, सेपल्स की संख्या 2 होती है, सेपल्स की संख्या 2 पाई जाती है। एंड कोरोला, कोरोला इसमें पेटल्स की संख्या 1, 2, 1, 2, 3, 4, पेटल्स की संख्या 4 पाई जाती है, पेटल्स की संख्या 4 होती है, दो दो के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं 1, 2, 3, 4, आपस में दो दो के चक्रों में व्यवस्थित है ये, दो दो के चक्रों में अरेंज है, व्यवस्थित है। एंड ये पॉलीपेटलस कहलाता है, पॉलीपेटलस कहलाता है। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के अंदर, एंड्रोसियम जो फ्लोर का मेल पार्ट है, इसमें स्टेमन की संख्या असंख्य होती है, स्टेमन की संख्या असंख्य होती है, इसमें स्टेमन की संख्या, स्टेमन असंख्य होते हैं, इसे असंख्य होते हैं, इसलिए ये पॉलीएंड्रस होता है, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। नेक्स्ट है गाइनोसियम, गाइनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लोर के अंदर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं, तो ये फ्लोर बायसेक्सुअल होता है, इसलिए ये फ्लोर बायसेक्सुअल होता है। अब बात करते हैं गाइनोसियम की, जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स की संख्या बाइकार्पिलरी से मल्टीकार्पिलरी होती है, इसके अंदर कार्पल्स की संख्या मल्टी से बाइकार्पिलरी से मल्टीकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी होती है। एंड सिनकार्पस, जो ये कार्पस होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, अगर फ्री होते तो ये एपोकार्पस होता है, लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए ये सिनकार्पस है, सिनकार्पस, सिनकार्पस। एंड जो इसका ओवेरी होती है सुपीरियर टाइप की होती है, जो इसकी ओवेरी है सुपीरियर प्रकार की होती है, एंड इसमें स्टाइल एब्सेंट होती है, स्टाइल इसमें एब्सेंट होती है, स्टाइल स्टाइल एब्सेंट होती है, इसमें स्टाइल एब्सेंट होती है। जो इसके स्टिग्मा होती है हुड लाइक होती है, जो स्टिग्मा हुड लाइक होती है, एंड ओवेरी सुपीरियर होती है, ओवेरी ओवेरी सुपीरियर एंड स्टिग्मा हुड लाइक, छत्रक नुमा, बट हुड लाइक या छत्रक नुमा। इस प्रकार अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट भाग इसका फ्रूट, फ्रूट कैप्सूल होता है इसका, फ्रूट फ्रूट कैप्सूल, कैप्सूल फ्रूट इसका कैप्सूल होता है। अब बात करते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मूले की, ये फ्लोरल डायग्राम, इसका फ्लोरल डायग्राम के अंदर दो इसमें सेपल्स हैं, बाहरी है 2 सेपल्स हैं, एंड आंतरिक 4 पेटल्स प्रेजेंट है इसमें, जो दो दो के चक्रों में व्यवस्थित है। इसके अंदर जो इसके इनर पार्ट में है वो
स्टेमन असंख्या में व्यवस्थित हैं एंड जो कार्पल्स हैं वो 2 से लेके अनंत तक होते हैं, बाई कार्पिल से लेके मल्टी कार्पिल तक पाए जाते हैं, लेकिन ये सिम कार्पस अवस्था में पाए जाते हैं, सिम कार्पस अवस्था में पाए जाते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले ये देखते हैं ये फ्लोर कैसा था, ई ब्रैकेट था, तो इस सबसे पहले लिखते हैं ई ब्रैकेट का संकेत है ई बी आर, ई बी आर, ई बी आर। नेक्स्ट है जो फ्लोर था एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का फ्लोवर था, एक्टिनोमॉर्फिक, इस फ्लोवर के प्रत्येक चक्र के सदस्य एक समान थे तथा पुष्प को एक से अधिक लंबवत तलों में दो समान भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए यह फ्लोवर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का संकेत है ये। नेक्स्ट है जो फ्लोवर था गार्डन पॉपी, वो फ्लोवर बाइसेक्सुअल था, एक ही फ्लोवर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, तो इसलिए बाइसेक्सुअल का संकेत है ये। नेक्स्ट बाइसेक्सुअल का संकेत हो गया। नेक्स्ट है कैलिक्स, कैलिक्स की संख्या कितनी है, कैलिक्स में कार्पस की संख्या 1, 2, कैलिक्स में कार्पस की संख्या 2 है, के संख्या कितनी है 2। नेक्स्ट है कोरोला, कोरोला की संख्या इस फ्लोरल के अंदर फ्लोरल डायग्राम में कितनी है 1, 2, ये दोनों बाह्य एंड ये दोनों आंतरिक, इस प्रकार पीटल्स की संख्या 4 है इसमें, लेकिन दो दो के चक्रों में व्यवस्थित हैं, कोरोला सी 2+2। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के अंदर का जो स्टेमंस की संख्या है, स्टेमन की संख्या है वो असंख्य है, अनगिनत है, तो इसको एंड्रोसियम हो गया, असंख्य को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया इसका अनगिनत या अनंत, एंड्रोसियम में स्टेमंस की संख्या असंख्य है। एंड अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है इसका गाइनोसियम, जो स्त्री पार्ट है, गाइनोसियम, गाइनोसियम किस प्रकार का था, सुपीरियर प्रकार का था, तो नीचे ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर जो फ्लोवर, फ्लोवर के अंदर गाइनोसियम के अंदर जो कार्पस की संख्या है वो बाई कार्पिलरी से मल्टी कार्पिलरी पाई जाती है एंड सेम कार्पस अवस्था में पाया जाता है, तो फ्यूज है, फ्यूज होने पर सॉरी सेम कार्पस है लेकिन इसमें कार्पस की संख्या अनंत है, असंख्य है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया इसका गार्डन पॉपी का। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व, पेपरसी फैमिली का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पेपरवेसी का, पेपरवेसी फैमिली। ऑर्नामेंटल, सजावटी के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में पेपर और रोहियास को गार्डन्स के अंदर लगाते हैं,
पेपेवर रोहियास को गार्डन के अंदर सजावटी पौधों के रूप में लगाते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल। मेडिसिनल पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम। इस पौधे के अपरिपक्व फलों से कैफीन एंड कोडीन एल्कोलाइड निकलता है जो दर्द निवारक होता है, जिसका उपयोग दर्द निवारण में करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल। आर्जिमोन मैक्सिना। आर्जिमोन मैक्सिना के सीड से बीजों से ऑयल निकाला जाता है या इनके सीड्स में ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्यूसन किस प्रकार से आएगा। क्यूसन ऐसा आएगा पेपेवेसी फैमिली के पुष्पीय लक्षणों को समझाइए, नामांकित चित्रों के द्वारा चित्र बनाकर पुष्पीय लक्षणों को समझाइए। या ऐसे भी आ सकता है पेपेवर रोहियास के पुष्पीय लक्षणों को समझाइए, या पेपर रोहियास के फ्लोरल डायग्राम का नामांकित चित्र बनाइए एंड ओव्यूस का बनाइए इत्यादि पूछ सकता है।